ठीक बेटा, हम भी इस तीन वाला क्वेश्चन क्या देगा कि जो हमारा सत्रहवा वाला पद है वो दसवें पद से कितना अधिक है? सात। यानी कि इस बात को बेटा ऐसे नहीं लिखते, सत्रह हम थोड़ा इधर को लिखे दे रहे हैं बेटा। दसवा क्वेश्चन आपका ए सत्रह, मतलब बेटा क्या हुआ कि सत्रह वाला पद, सेवनटीन वाला पद। सीमा बेटा समझो, इसमें से माइनस कर दो कौन सा? दस वाला पद, मतलब ए दस है बेटा, तो कितना बचना चाहिए? सेवन। ठीक बेटा, ऐसा हमको क्या है? गिवन है, मतलब बताया गया हमको, दिया। ठीक पद मुझे बता दो बेटा, जो सत्रहवां पद होता है इसे क्या लिख सकते हैं? ए प्लस सोलह डी लिख सकते हैं? क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये तो हम खूब लिख सकते हैं, क्यों से हम सत्रहवें पद को हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस सोलह डी। हाँ बेटा, यहाँ माइनस, हमने कहा कि जब भी एक घर में ज्यादा लोग हों तो पर्दा करना पड़ता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हमने लगा दिया ब्रेक, ये हमारा क्या है? पर्दा है। दसवें पद को क्या कहेंगे? ए प्लस नाइनटी। वेरी गुड। इस घर में ज्यादा लोग हैं, एक लोग किधर है, दो घर बसे हुए हैं, एक लोग इधर और एक लोग इधर है, दो पद है। ठीक है बेटा, ब्रैकेट खोल दो। हाँ, तो ए प्लस सोलह डी और माइनस हो जाएगा ए माइनस नाइनटी बराबर में सात। तो बेटा अपना आंसर निकाल लो, सब चीज हम थोड़ी बताएंगे, तुम्हें डी चाहिए निकाल लो आराम से। यहाँ से हमारा बेटा ए से गया, सोलह डी में से नाइनटी गया, कितना? सेवनटी। एक है, कितना आसान क्वेश्चन था।